तो ये थी a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस एक्सपेंशन को देखकर मुझे समझ आ रहा है कि एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी साइड a है तो उसका एरिया ए स्क्वायर हुआ, और जो दूसरा है दैट इज उसकी साइड b है तो उसका एरिया बी स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है चीज दैट इज ए स्क्वायर, मतलब पूरा जो था उसमें से बी स्क्वायर हमने हटा दिया, मतलब हमने कट कर दिया वो पेज और हमने उसको ऑमिट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया। तो ये हमारे पास नीडेड चीज़ है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड चीज़ है कि ए स्क्वायर के एरिया में से बी स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। तो ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास गिवन ये चीज़ है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये चीज़ मेरे पास है नहीं, मैंने इसको उठाया और यहाँ रखा। तो यहाँ पर मैंने इसको उठा के येलो कलर करके यहाँ रखा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी ए था जो यहाँ पर ऐड हुआ है दैट इज बी, तो यहाँ पर एक बी ऐड हो गया दैट इज दिस। तो ये ए था, ये बी, उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास था दैट इज ए माइनस बी, यहाँ पर बी इतना सा था, ये बी था, तो यहाँ से ए में से ये बी माइनस हो गया, तो यहाँ पर ए माइनस बी बना मेरे पास, दैट इज ए माइनस बी दैट इज ए प्लस बी। तो ये एक स्क्वायर जो था मेरे पास ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करके ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेक्टेंगल की साइड्स क्या हैं, फर्स्ट है ए प्लस बी और दूसरी है ए माइनस बी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमने यहाँ पर वही किया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज द फेमस आइडेंटिटी जो हम बहुत जगह पर यूज करते हैं, बट ये बहुत ही ईजी थी ज्योमेट्रिकली। मतलब एक स्क्वायर लिया, उसके एरिया में से जिसकी साइड ए थी एक छोटा सा स्क्वायर माइनस कर दिया जिसकी साइड बी थी, इसको उठा के हमने यहाँ रखा समझने के लिए और ये रेक्टेंगल बन गया। इस पूरे रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एरिया होगा। तो ये बहुत ही ईजी था, आई होप आपको ये वीडियो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन तीनों के ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स आपको ढंग से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो लेसन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, दैट इज www.unfoldyou.com, और वहां पर आस्क योर डाउट सेक्शन में जाकर अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज दिलप्रीत साइनिंग ऑफ, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेसन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अनफोल्ड यू, हियर यू कैन एक्सप्लोर योर हिडन पोटेंशियल। सो थैंक यू सो मच।